अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदार में खुश आमदीद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान एहसान इकबाल हूं। जैसा कि अगेन हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टड फार्म्स को विज़िट करना शुरू कर दिया है और सर्दी की आमद है, बहुत खुशगवार मौसम भी है। और आप मेरे पीछे जिस स्टड फार्म को देख रहे हैं, इस स्टड फार्म का नाम है द शो लाइन अरेबियंस और कमाल की ब्रीडा। नाज़रीन, जितने भी पहले प्रोग्राम आप देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। पहले जो प्रोग्राम्स थे उनमें हमने आपको इनका जो स्टेबल था वो दिखाया और उसके बाद अरेबियन हॉर्सेस दिखाए, और अब जो घोड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में ये घोड़े मौजूद हैं और इन घोड़ों की खूबसूरती इतनी है कि आप देखकर हैरान होंगे। और ये जो घोड़े हैं नाज़रीन, ये एंडलुसियन ब्रीड है और मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्सेस ऑफ द वर्ल्ड हैं। और इनकी खूबसूरत आँखें, इनका खूबसूरत रंग आप देखकर हैरान होंगे। आए चलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इससे पहले जो प्रोग्राम हुए हैं वो भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं और ये शो लाइन अरेबियंस जो स्टड फार्म है वो देखें और इनका स्ट्रक्चर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि घोड़ों को अगर रखना है या उनके लिए स्टेबल तैयार करना है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आए हमारे साथ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप ये खूबसूरत जो घोड़े हैं ये देख रहे हैं, और माशाल्लाह से इनका जो रंग है, इनकी जो खूबसूरत आँखें हैं या इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो खसूसियात हैं, कुमैल भाई आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं। सर वेलकम अगेन। थैंक यू कुमैल भाई। ये बताएं कि माशाल्लाह से इतने खूबसूरत घोड़ों का शौक़, और ये कैसे कब से शुरू हो गया? अहसन भाई, ये जो है, ये जो ब्रीड है, ये एंडलुसियन है, और कलर की बात की जाए तो ये बहुत ही रेयर टू फाइंड कलर है ये। बिल्कुल। और पाकिस्तान में भी ये कह लें कि मैक्सिमम एक दो या तीन होंगे। क्या बात। और इस कलर को पैलोमिनो कहा जाता है, ये शाइन भी करता है, गोल्डन टाइप क्रीम टाइप कलर होता है। अच्छा। क्रीमी और पैलोमिनो कलर कहते हैं इसे। ठीक है। और ये ब्रीड वाइज में जैसा मैंने बता दिया कि एंडलुसियन है, ये हाइटेड हॉर्सेस होते हैं। हाइटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक को दोनों भी बच्चे हैं? जी बिल्कुल। नहीं, ये इसमें एक हमारे पास ये 2 साल का कोल्ट है। जी जी। और जो मेयर है वो तकरीबन राउंड 3-3.5 साल की है। 3-3.5 साल एग्जैक्टली। और अभी ये हाइट गेन करेंगे क्योंकि ये 16.5-17 हैंड्स पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह खूबसूरती तो इनको क्या ही कहना है। जी बिल्कुल। तो इसके भी ब्रीड का क्या प्लान है नेक्स्ट? इसमें ये मेयर के साथ कॉल मंगवाने का ये पर्पस ही ये था कि हम इसके यहाँ ब्रीड करवा सकें। ठीक है। अच्छा कुमैल भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी ब्रीड और अरेबियन ब्रीड, मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इनके क्या सिस्टम है? एयर कंडीशन वगैरह लगाना पड़ता है या नहीं ज़रूरत पड़ती? ऐसे भाई, ये हमने इम्पोर्ट स्पेन से किए हैं जी, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है। जैसे हम वार्म ब्लडेड हंगरी से या दूसरी कंट्रीज से मंगवाते हैं, जर्मनी से, उनका इश्यूज़ बनता है, उनको क्लाइमेटाइज करना पड़ता है, लेकिन इनका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चिलर्स के सामने रखा है, लेकिन अब माशाल्लाह जस्ट एक फ़ैन है दोनों के ऊपर और सही ज़बरदस्त जा रहे हैं। आप आदि हो गए? बिल्कुल। अब और ये जिस तरह वेदर बेहतर होता जा रहा है तो इनके लिए कोई इशू नहीं है फिलहाल। अच्छा, और अभी वैसे भी ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अडल्ट नहीं हुए। जी जी। ये अभी 2 साल का है, वो अभी 3 साल की है, वो हो गई है, मेयर जो है वो ऑलमोस्ट अडल्ट है। ठीक है। तो
इसलिए ये एडजस्ट कर जाएंगे और क्लाइमेटाइज हो जाएंगे। इनके जो आईज का कलर है जी जी, उस कलर के बारे में ये इस कलर को ग्रीन ब्रिंडल कलर कहते हैं। अच्छा, इसमें ब्लू कलर भी आता है। अच्छा, इस सेम इसी ब्रीड में, बिल्कुल इसी बॉडी कलर में, पेलामिनोज में ब्लू कलर भी आता है, ठीक है, और ब्लैक भी आता है। ये ब्रिंडल है, ये ग्रीन कलर है। सबसे ज्यादा जो मतलब के कीमती या वर्थ के हिसाब से, वर्थ के हिसाब से तो इनका अपना कलर ही आपके सामने ही, मतलब किस तरह शाइन कर रहा है। जी जी। तो ये बहुत रेयर बिल्कुल म्यूटेशन है, बहुत ज्यादा रेयर म्यूटेशन है। अच्छा, इनकी मैक्सिमम कितनी हाइट हो जाती है? मैक्सिमम ये हाइटेड हॉर्सेज हैं, और ये कह लें कि 16.5 हैंड्स पे जाते हैं। अभी ये बच्चा है, अभी ये सिर्फ 2 साल का है, इसलिए ये अभी और हाइट गेन करेगा। अच्छा, अभी ये अभी पूरा 1-1.5 साल हाइट गेन करेगा, और अभी तो माशाल्लाह अभी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये और भी अभी करेगा इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ब्रीड के ये घोड़े हैं, और एंडलुसियन ब्रीड इसको बोला जाता है, और इस इनकी खूबसूरती की मतलब कि तारीफ़ करना कोई, मैं समझता हूँ कि मेरे अल्फाज कम है। आप खुद ही इनको देख के एक इंसान जो है वो ये बात को समझ सकता है कि कितनी खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बनाई है, और इनकी खूबसूरत आँखें और इनका खूबसूरत रंग इनकी सबसे बड़ी खसूसियत है। और ये हाइटेड घोड़े होते हैं, और इन घोड़ों में जो इनका टेम्परेचर के हवाले से बात की गई है कि जैसे कि भाई ने हमें बताया कि शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी आई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो कुमैल भाई, अभी अगर कोई इंपोर्ट करना चाहे इन घोड़ों को, इन घोड़ों की क्या एक्सपेंस होते हैं वो भी ज़रा बताएं। एक्सपेंस तो मैंने जैसे आपसे पहले शेयर कर लिया था कि आप एवरेज 15-19 लाख पर पीस आपको कॉस्ट करता है, इंपोर्टिंग कॉस्ट है। बिल्कुल। उसके अलावा जो घोड़े की अपनी कॉस्ट है, वो अगेन वही बात, आप जैसी क्वालिटी परचेज करेंगे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अच्छा, यहाँ पर अरेबियन भी हैं, देसी भी हैं, दूसरे घोड़े भी मौजूद हैं जी। आपको ज़्यादा कौन सी ब्रीड पसंद है? मुझे मैं अपनी बात करूं तो मुझे अरब ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और हमने अपने फार्म का नाम भी शोलन अरेबियंस रखा हुआ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग भी अरब से की थी। बिल्कुल। और अरब की ही ब्रीडिंग से स्टार्टिंग सब कुछ किया था। तो ये जो है घोड़े तो हमें सारी पसंद है, तो ये जो है ये ज़रा स्पेशल कलर है आपके सामने, ये अगर आप इसको मतलब वो देखें ना कि धूप में भी देखें तो ये ज़्यादा शाइन करता है। बिल्कुल। अच्छा कुमैल भाई, ये थोड़ा सा वजाहत करें इसकी कि मेरे ख्याल से ये शो लाइन हॉर्सेज ज़्यादा हैं, तो अगर इनको हम क्रॉस करवाते हैं दूसरी ब्रीड्स के साथ जी तो जी क्या इनका रिजल्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन फ्यूचर हम लाजमी, हम जैसे कि ये जो पेलामिनोज हैं इनको हम स्पेशली अपने जो देसी नुकरे हैं वाइट जो हमारे पास देसी हैं, अच्छा, उनके साथ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी अपनी भी ब्रीड को कैरी ऑन करेंगे, ये प्योर पेलामिनो एंडलुजियंस को भी लेके चलेंगे, और इसके साथ साथ इसमें इनको उनके साथ मिक्स बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके क्या रिजल्ट्स हैं मुतवक्के? हम जिस भी दो डिफरेंट ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे वो किसी पर्पस के तहत करवाएंगे। अच्छा, कोई ना कोई पर्पस होगा, किसी की कोई चीज़ हमें हाइट में चाहिए, कोई चीज़ हमें कलर में अच्छी चाहिए, साथ परफॉर्मेंस में चाहिए, डिफरेंट गेम्स के लिए चाहिए, तो हम उनको क्रॉस ब्रीड्स, जिस तरह थोरो ब्रेड्स होते हैं, थोरो ब्रेड बेसिकली दो ब्रीड्स का क्रॉस है। बिल्कुल। उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए थोरो ब्रेड क्रॉस करवाया जाता है, रेस के लिए करवाया जाता है। इसी तरह हमारा इन फ्यूचर प्लान्स हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं कि हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट ब्रीड्स को भी क्रॉस करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल जो बड़ी आवाम करती है कि जैसे ही हम इनकी ब्रीड नेक्स्ट जो बच्चे लेना चाहते हैं जी जी, मतलब इसी खसूसियात के हामिल जो बच्चे हैं वो सेम मेयर के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आएंगे, या फिर उस सायर को हम मेयर के साथ क्रॉस करवा दें इसी ब्रीड की जी जी, तो आईज वगैरह वो अपने बाप पे ले जाएंगे? मतलब जब आप पर्पस आप थोड़ा अपने ब्यूटी की तरफ भी चले जाएंगे घोड़े की, तो अगर आपको ये कलर जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोस्की कलर भी कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ये कलर देसियों में चाहिए तो ऑब्वियसली हम इससे क्रॉस ब्रीड करवाएंगे, ठीक है, हमें वो नुकरों में वो पेलोमिनोज आना शुरू हो जाएंगे, बोस्की आना शुरू हो जाएंगे, हाइट उनकी ज़्यादा हो जाएगी, बोन स्ट्रक्चर हैवी हो जाएंगे, तो इसी तरह मतलब वो ऑन पर्पस बेस्ड ब्रीडिंग होती है। नहीं, अगर हम इसकी सेम हर चीज़ ऐसी हमें चाहिए नेक्स्ट ब्रीड में, तो फिर हम प्योर ब्रीड को ही प्योर ब्रीड के साथ ही रखेंगे, मतलब हम इसको एंडलुजियन को एंडलुजियन के साथ ही रखेंगे। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, अल्लाह पाक की क्रिएशन है, और इससे पहले हम शानी खान के फार्म पर गए थे, वहाँ पर भी एक कोल्ट मौजूद था,
बहुत खूबसूरत कोल्ट है और इनकी खूबसूरती इनके रंग हैं और इनकी आँखों के रंग हैं। और जब ऐसी आपने इनको आगे लेकर चलना है या इनकी ब्रीड लेनी है तो कुमैल भाई बता रहे हैं कि हमें प्योर ब्रीड को ही लेकर चलना पड़ेगा और उनके डिफरेंट जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो भी उन्होंने सामने रखी हैं कि हम नुकरे जो घोड़े हैं या घोड़ियाँ हैं हमारी उनको क्रॉस करवाएंगे इस स्टालियन से, तो हमें बोस्की रंग जो है वो मिलेगा। जैसे कुमैल भाई वो तुर्कमानिस्तान के घोड़े हैं अखलटाके, तो वो माशाल्लाह वो भी बड़ी कमाल की ब्रीड है। मेरे ख्याल से अगर हम इनको बेसिकली नुकरों के कलर्स, कलर्स ये वही हैं, कलर्स ये वही हैं। इसमें म्यूटेशन में भी थोड़े से टाइप्स हैं, इसमें इजाबेला पेलामिनो क्रीमेनो आता है, क्रीमियो आता है, इसमें दो तीन टाइप्स हैं, बिल्कुल वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। उसमें जो म्यूटेशन हैं वो डार्क और लाइट हो जाती हैं।